सोनिया हो, ओ माहिया हो, जिंदगी का गुजारा तेरे बिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में जो स्टेटस वीडियो देखा है, अगर आप भी उसी तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो अपने फोटो के साथ में, तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं उसी तरह का स्टेटस वीडियो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को पूरा देखना अगर आप भी अपने फोटो के साथ में उसी तरह का स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। सबसे पहले आपको बीइन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। अगर आपके पास में बीइन एप्लीकेशन नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, जाकर आपको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में आपको बीइन एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप बीइन एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में फोटो वाले सेक्शन में चले जाना है। यहाँ से आपको फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, जिस भी फोटो से आपको स्टेटस वीडियो बनाना है किसी एक फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको एक एरो का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ओरिजिनल का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद में टिकटॉक वाले साइज को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में यहाँ से इसको ओके कर देना है। अब नीचे आना है आपको, यहाँ पर आपको ब्लैक वाले लाइन के ऊपर टाइप करना है, उसके बाद यहाँ से इसको डिलीट कर देना है। अब आपको फोटो वाले लाइन के ऊपर टाइप करना है, उसके बाद में आपको इसको ड्यूरेशन को खींच कर उतना बड़ा कर देना है जितना बड़ा आपको स्टेटस वीडियो को बनाना है। तो आपको ड्यूरेशन को खींच कर लेना है जितना बड़ा आप स्टेटस वीडियो बनाना चाहते हो। अब आपको इस लाइन के ऊपर दोबारा टाइप करना है, आपको इस लाइन के ऊपर दोबारा टाइप करना है। उसके बाद में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक जूम का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको जूम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको मूव और राइट का ऑप्शन दिखाई देगा, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से इसको ओके कर देना है। नीचे आपको अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ब्लैक स्क्रीन और यहाँ पर एक लेयरिस ब्लैक स्क्रीन ऐड करना है। तो आपको जो भी मटेरियल यूज कर रहा हूँ सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर सबसे पहले सभी को डाउनलोड कर लीजिए। अब ऐड करने के लिए आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में वीडियो और फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से आपको सबसे पहले ब्लैक स्क्रीन का जो हमारा है ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो, उसको आपको ऐड करना है। तो आपको ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आपको वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद में यहां से इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे सिलेक्ट कर लेंगे तो वो आपके फोटो पर आ जाएगा। अब दोस्तों यहां पर आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं, तो वीडियो को जरा सी भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। तो आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद में दोस्तों यहां पर आप सभी लोगों को एक फिट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको फिट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद में यहां पर आपको एक ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। उसके बाद में स्क्रीन का ऑप्शन देखने में मिल जाएगा, आपको स्क्रीन पर क्लिक करके यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक लेयरिस वीडियो को ऐड करना है, तो लेयरिस को ऐड करने के लिए दोबारा प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, उसके बाद में वीडियो और फोटो के ऑप्शन में चले जाना है। और दोस्तों आप अपने पसंद का लेयरिस वीडियो यूट्यूब से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारा जो लेयरिस वीडियो मैं इस वीडियो में यूज किया हूँ अगर आप उसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आपको यहाँ से लेयरिस वीडियो को ऐड कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर लेयरिस वीडियो आ जाएगा। अब आपको लेयरिस वीडियो को खींच कर आपको सबसे नीचे लाकर इस तरह से लगा देना है, जैसे मैं कर रहा हूँ इस तरह से आपको करना है। तो आपको सबसे नीचे लाकर लगा देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ब्लेंडिंग के सेटिंग में जाना है। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को मल्टीप्लाई का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से इसको अप्लाई कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं प्ले करके दिखा दूंगा, लेकिन अभी जो म्यूजिक है वो नहीं यहाँ पर सुनाई दे रहा होगा आप सभी लोगों को। देख सकते हैं हमारा स्टेटस वीडियो इस तरह से बन चुका है। अब यहाँ पर अभी म्यूजिक नहीं सुनाई दे रहा है, तो उसके लिए दोस्तों आपको लेयरिस वाले लाइन के ऊपर टाइप करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको वॉल्यूम का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको यहाँ से आपको वॉल्यूम जैसे फुल कर देंगे तो यहाँ पर आवाज़ आ जाएगा। अब दोस्तों हमारा स्टेटस वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हमारा स्टेटस वीडियो बना हुआ है। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने फोटो को लगाकर स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, या किसी और फोटो के साथ में स्टेटस वीडियो बना सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर अपलोड करके आप काफ़ी अच्छा फॉलोअर बटोर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर आप में एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को अपनी वीडियो की क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से इसको ओके कर देना है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना होगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना होगा। तो इस तरह से आप भी वीडियो बना सकते हैं। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को ब्लैक स्क्रीन वीडियो इफेक्ट खुद बनाकर देता हूं, तो जरूर दोस्तों हमें सपोर्ट करिए। अगर हमारे इस वीडियो पर 100 लाइक से ऊपर आ जाएगा तो मैं इस तरह का वीडियो और भी आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, तब तक लिए बाय बाय।